अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? और रमज़ान आप लोगों का कैसा चल रहा है? आप लोगों को पता है कि रमज़ान के व्लॉग में एक ही चीज़ नहीं होती है, कोई ना कोई रेसिपी। ये आवाज़ कभी बंद नहीं हो सकती। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी बहुत मज़े की है और बहुत ही आसान है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिव्यू शेयर कीजिएगा। चले जी चलते, क्या क्या इंग्रीडियंट्स और कैसे आपने ये रेसिपी बनानी है। तो सबसे पहले आपने पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को इसमें जो है वो थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद इसमें ऐड करना है लहसुन को, यानी गार्लिक को। ये मामा की स्पेशल रेसिपी है, मामा से पूछते हैं कि अब क्या करना है। एक चम्मच ऑयल में हम ज़ीरा इसे फ्राई करेंगे हल्का सा, और साथ में लहसुन को थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ठीक है, और देखिए प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसे सोते करना है, यानी सॉफ्ट हो जाए आपके पास। जी, ये पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश कर लिया अच्छे तरीके से, और साथ ग्रीन चिली को भी हमने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी थोड़ी सी डाली है, फिर नमक, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, देन काली मिर्च, ब्लैक पेपर, फिर गरम मसाला इसमें डालेंगे, और फिर रेड चिली यानी लाल मिर्च, खुशक धनिया फिर ऐड करेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। फिर ग्रीन चिली और जो हमने बॉयल पोटैटो थे वो इसमें ऐड कर दिया मसाले में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा भून लिया, अब इसको हम जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक दूसरी प्रिपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, इसकी हमने कोटिंग करनी है इसके ऊपर। ये ब्रेड पीसेस लिए हैं, इसको मीट से जो है हमने टू पीसेस में डिवाइड करके काट लेना है। इस तरह जो है वो ब्रेड के पीसेस हमारे पास आ जाएंगे। ये मैदा लिया और पानी में डाल के इसका जो है मिक्सचर रेडी करेंगे। मैदे में थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक और साथ थोड़ी सी काली मिर्च। अब जो ये मटेरियल रेडी किया है इसको इन ब्रेड पीसेस के ऊपर जो है ना कवरिंग देंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, सो लेट्स डू। हमने जो है वो मसाले की कवरिंग ब्रेड के ऊपर कर ली है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे आपने कवरिंग करनी है। ऑयल को हमने जो है वो यहाँ पे गरम होने रख दिया। ऑयल जैसे गरम होगा फिर हम इसमें जो है वो ब्रेड के पीसेस को फ्राई करेंगे। इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई होते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे पास रेडी है क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड्स। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, दिस इज़ सो मच डिलीशियस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।